हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का हमारा टॉपिक है स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर एस तो आज हम देखेंगे स्टेबलाइजेशन क्या होता है और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है तो सबसे पहले हम टॉपिक को कॉपी पर लिखते हैं टॉपिक का नाम है हमारा स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन फैक्टर स्टेबिलिटी फैक्टर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहना चाहिए और वो फिक्स्ड तभी रहेगा जब हमारा आईसीओ में चेंज कलेक्टर बेस करंट है हमारा आईसीओ ठीक है जब इमिटर ओपन होता है उसमें चेंज और उसके वजह से जो हमारा कलेक्टर करंट है उसमें चेंज स्मॉल हो तभी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट को हम कांस्टेंट कैसे करेंगे आईसीओ में चेंज और आईसी में चेंज को कम करके ठीक है और उसी को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन और स्टेबिलिटी फैक्टर को हम एस के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर होता है रेशियो ऑफ डी आई सी अपॉन डी आई सी ओ के Now, हम स्टेबिलिटी फैक्टर को किसी और बुक में देखते हैं यहाँ पर लिखा है द एबिलिटी ऑफ एनी सर्किट इन कीपिंग इट्स कलेक्टर करंट आई कांस्टेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ठीक है कोई सर्किट जो है वो अपने कलेक्टर करंट को कॉन्स्टेंट रखता है उसी क्वालिटी को काबिलियत को हम स्टेबिलिटी फैक्टर कहेंगे द स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट और जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है हमारा हमें डिवाइड करना है स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट को यहाँ पर डेल आई जो है वो स्मॉल चेंज डेल जो है वो चेंज बताता है स्मॉल चेंज कलेक्टर करंट में डिवाइडेड बाय करेस्पॉन्डिंग चेंज इन सैचुरेशन करंट आईसीबीओ हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है जो कि रिवर्स बायस के वक्त हमें देखने को मिलता है उसके रेशियो को हम कहेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर आईसी B. O. को हम आई सी ओ करके भी लिख सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में बताया है उसका डेफिनेशन ये एक नेगेटिव करंट होता है जब रिवर्स बायस्ड होता है हमारा तब ये हमें देखने को मिलता है ठीक है जब रिवर्स बायस होता है तब हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा आईसीबीओ वाला करंट मिलेगा ट्रांसिस्टर में हमने पहले डायोड के केस में किया था फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस्ड। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते थे तब हम बाइस कहते थे थी, ठीक है तो यही है जब हम किसी डीसी करंट को फिक्स्ड क्या करते हैं अप्लाई करते हैं या डीसी वोल्टेज को तो उसी को हम बाइसिंग कहते हैं जो कि इसमें यूज होता है ये लफ्स इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है तो ये है हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर अगर चेंज इंफनाइट सिमली स्मॉल हो तो हम डेल के जगह पर डी भी यूज कर सकते हैं या डेल्टा भी यूज कर सकते हैं और कलेक्टर करंट का रिलेशन कुछ ऐसा भी आता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं जब हम उसको यूज करेंगे और डिफ्रेंशियट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई तो हमें बीटा प्लस वन मिलेगा इतना हमारे बुक में नहीं दिया है तो उसको हम नहीं करेंगे अब इस वाले बुक बुक में में से भी भी लिख सकते हो जो भी में आसान डेफिनेशन है आप वो लिख सकते हो ठीक है यहाँ पर भी लिखा है जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स है बीटा आई सी E, वो सारे जो है फंक्शन है टेम्परेचर के करंट गेन करंट सी वाला यानी कि कलेक्टर बेस का और बेस इमिटर वोल्टेज ये सारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है उसी को फंक्शन कहते हैं अमंग दीज जो चेंज होता है आईसीओ में विद टेम्परेचर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदर चेंजेस के कंपैरिजन में वीटा और बीई के चेंजेस के कंपैरिजन में जो चेंज है कलेक्टर करंट में उसका रेट विद रिस्पेक्ट टू रेट मतलब डिवाइड में कुछ आएगा ठीक है रिवर्स सैचुरेशन करीबी कॉन्स्टेंट उसी को हम स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं S जो है, वो डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ के बराबर होगा या डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसीओ के बराबर होगा यहाँ पर डेल और डेल्टा चेंज बता रहा है ठीक है हमेशा चेंज रिप्रेजेंट करते हैं डेल और डेल्टा फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये जो एक्सप्रेशन है शोज दैट स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ एस हायर इज द स्टेबिलिटी इस इक्वेशन का मतलब है जितना एस कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है हमारा सर्किट सो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है एस वो जो है हमें एस स्मॉल एस पॉसिबल रखना है कैप्ट करना है जो लोएस्ट वैल्यू होगा एस का वो हमें कैसे मिलेगा इस ऑप्टेन इज यूनिटी दैट कैन बी ऑप्टेन जो हमें चाहिए जो ऑप्टेन होना चाहिए वो

तो उतना आप लिख सकते हो क्या लिखोगे क्लोजर इज द वैल्यू ऑफ एस टू यूनिटी लेसर विल बी वेरिएशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट विथ टेम्परेचर हम अपने बुक में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं टॉपिक का नाम है हमारा स्टेबलाइजेशन और स्टेबिलिटी फैक्टर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स विद टेम्परेचर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स टेम्परेचर के साथ चेंज होता है उस वजह से जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर का वो एकदम से चेंज हो जाता है ठीक है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होने की वजह से और उसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है उसमें वोल्टेज और करंट होता है एक हमने क्वेश्चन भी किया था ऑपरेटिंग पॉइंट से रिलेटेड जीरो सिग्नल पर वो जो है वो भी चेंज होगा क्योंकि उसमें कलेक्टर करंट है ठीक है तो वो भी चेंज होगा दस बाइसिंग सर्किट जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसे हमें डिजाइन करना है कि चेंज ऑफ आईसीओ जब हमारा आईसीओ चेंज होगा जो करेस्पोंडिंग चेंज जाता है आईसी में वो as small as possible हो ठीक है जो कलेक्टर बेस करंट में चेंज आएगा उसके वजह से कलेक्टर बहुत ही कम चेंज आना चाहिए ताकि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो चेंज ना हो जो कि हमारे कलेक्टर करंट पे डिपेंड होता है और उसी को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन फिर यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग प्वाइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस और वेरिएशन इन ट्रांसिस्टर पैरामीटर इस कॉल स्टेबिलाईजेशन ऑपरेटिंग प्वाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना टेम्परेचर के वेरिएशन से ट्रांसिस्टर में ठीक है ट्रांसिस्टर के पैरामीटर्स में तो उसी को हम स्टेबिलाईजेशन कहते हैं टेम्परेचर चेंज से इंडिपेंडेंट बनाना है ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइजेशन समझ में आ गया स्टेबिलिटी फैक्टर भी हमने किया था जो चेंज इन कलेक्टर करंट आईसी है और चेंज इन जीरो बाइस कलेक्टर करंट है जिसको हम आईसीबीओ के साथ डिनोट करते हैं या आईसीओ के साथ उस रेशियो को हम कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर ठीक है जीरो बाइस कलेक्टर करंट की जगह पर रिवर्स सैचुरेशन करंट भी यूज कर सकते हो या रिवर्स सैचुरेशन करंट की जगह पर जीरो बाइस्ड कलेक्टर करंट यूज कर सकते collector current, हो कलेक्टर करंट जब बायस नहीं होगा ठीक है सिग्नल नहीं होगी बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा आइडियली अगर हम परफेक्ट केस को कंसिडर करें तो उस वक्त एस जो है वो यूनिटी होना चाहिए यानी कि जो आईसी में चेंज है वो आईसीओ कंपोनेंट में जो चेंज होता है उसके बराबर होना चाहिए कलेक्टर में चेंज और जीरो बाइस कलेक्टर करंट में चेंज जब इक्वल होता है तब हमारा वैल्यू यूनिटी मिलेगा और वो परफेक्ट केस है हमारा आईसीओ को हम आईसी भी लिखते हैं कलेक्टर बेस करंट है जब हमारा कौन सा वाला सर्किट इमिटर इमिटर ओपन होगा ठीक है इमिटर ओपन होगा It इट इज़ फ्राउंड दैट हाउ एवर दैट मोस्ट सर्किट एम्पलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ आई सी ओ चेंजेस लेकिन ये मिला कि जो आई सी ओ चेंजेस है वो बढ़ जाता है एम्प्लीफाई हो जाता है इक्वल नहीं होता और वैल्यू ऑफ यूनिटी जो है वो हमें फुली कभी भी नहीं मिलता सो लार्जर द वैल्यू ऑफ एस जितना एस का वेल्यू ज्यादा होगा सर्किट जो है वो थर्मली इनस्टेबल बनता जाएगा इस सिचुएशन में एस को हम इनस्टेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं जितना एस का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना सर्किट इनस्टेबल बनता जाएगा ठीक है इन द डिजाइन ऑफ द ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट डिजाइन करते समय डिजाइन जो हमें बहुत ही केयरफुली करना है सो टू मेक स्टेबिलिटी फैक्टर एस लो एज पॉसिबल ताकि जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है वो जितना कम हो सके हम कम कर पाए ठीक है वन के पास लेकर जा पाए क्वेश्चन पॉइंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था अब इसी क्वेश्चन पॉइंट को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट बनाने को हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो कितना स्टेबल है हमारा सर्किट वो बताएगा जो कि रेशियो है चेंज इन आईसी और चेंज इन आईसी के और ये अगर वन के पास होगा वन तो आइडियल केस है परफेक्ट केस है ठीक है वन के पास होगा तब हमारा सर्किट बहुत स्टेबल होगा एंड जब वन से बहुत ज्यादा होगा तब हमारा सर्किट इनस्टेबल होगा और इसको हम उस केस में इनस्टेबिलिटी फैक्टर कह सकते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा है इतना समझ में आएगा तो काफी है और यही है आज का हमारा टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग